हेलो हेलो, आई एम ज्ञानेंद्र सिंह। वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि आप किसी पीडीएफ फाइल का प्रिंट लेना चाहते हैं और वो प्रिंट नहीं आ रहा, इवन वो फाइल सेव मोड में जा रही है, तो हम उस फाइल का प्रिंट कैसे लेंगे, उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट कैसे लेंगे। चलिए, आज हम इसी प्रॉब्लम्स को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई एक पीडीएफ फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक पीडीएफ फाइल है, इस फाइल को हम ओपन करते हैं। ये देखिए, अब हम इसको कंट्रोल पी से कमांड देते हैं। कंट्रोल पी किया और ये आ गया, हमारा प्रिंटर सेलेक्टेड है, यहाँ दिखा भी रहा है। नाउ यहाँ पर प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये सेव मोड में जा रहा है। अब इसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट नहीं हो पा रहा, देखिए ये फाइल सेव हो रही है। बट हमें इसका प्रिंट लेना है तो हम कैसे प्रिंट लेंगे, इसका आसान और सिंपल तरीका है। आप फिर से वही कंट्रोल पी करें। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रिंटर का नेम सेलेक्टेड है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज है और इसके जस्ट बगल में एक और ऑप्शन है एडवांस का। तो आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर प्रिंटर है उस पर्टिकुलर प्रिंटर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो भी आपको जिनको जितना भी पेज का प्रिंट देना है, प्रिंट ऑन बोथ साइड करना है, फिट टू पेज करना है, ये आप तो सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पर एडवांस बटन में क्लिक करना होगा। जैसे आप एडवांस बटन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रिंट एज इमेज 300 DPI। आप ये जो भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। सिमुलेट ओवरलैपिंग ओवर प्रिंटिंग, यहाँ पर इन दोनों को अनचेक करना है। और प्रिंट टू फाइल, यदि इसमें आप क्लिक कर देंगे तो ये फाइल सेव मोड में चली जाएगी, आपको ये प्रिंट का ऑप्शन नहीं देगा, इसलिए आपको इस फाइल को इस ऑप्शन को अनचेक करना है। देखिए, हमने यहाँ पर इसको अनचेक किया, ओके किया और आप प्रिंट देंगे तो अब इजली ये प्रिंट आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आपको इससे निजात मिल जाएगी और इस फाइल का प्रिंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर प्रिंट देंगे तो हमारे प्रिंटर में इसका प्रिंट इजिली आ जाएगा। ओके, थैंक यू।